पक्षविरोधी कार्यवाही केल्यामुळे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या नगरसेविका लीना गरड यांचं भारतीय जनता पार्टीतून 6 वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आलंय. पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावरच लीना गरड विजयी झाल्या होत्या. मात्र सतत उघडपणे पक्षविरोधी कारवाई करत होत्या. तसेच याबाबतच्या तक्रारी सातत्यानं विभागातील पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून पक्षश्रेष्ठींकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने भाजपचे उत्तरायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लीना गरड यांना पक्षातून निलंबित केले आहे. त्या संदर्भात मंगळवारी निलंबन पत्र हे लीना गरड यांना पाठवण्यात आलं आहे. भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 5 की नगरसेविका सौ लीना अर्जुन गरड को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित किया है. मैं देख रहा हूँ कि लीना गरड जी के द्वारा लास्ट 1-2 साल से पार्टी के और पक्ष के विरुद्ध में इस प्रकार की प्रवृत्ति की है, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी को ये कदम उठाना पड़ा है. कोई भी व्यक्ति या कार्यकर्ता कोई पक्ष का पद ग्रहण करता है या वो पक्ष के चिन्ह पर चुन के आता है तो उनको एक पक्ष के प्रोटोकॉल के ऊपर, उनके रूल्स के ऊपर काम करना रहता है. अगर आपका कोई विषय के ऊपर मत मतांतर हो तो आप एक स्तर पर आपके नेता के साथ चर्चा करके आप विषय पर आपका विषय रख सकते हैं. मगर ऐसा ना करते हुए हमारे लीना गरड जी ने लोगों के बीच में जाके विरोधी पक्ष के पार्टियों के साथ मिलके पार्टी को बदनाम करने का काम किया. लास्ट 1 साल से हमारे सभागृह नेते श्री परेश ठाकुर जी ने भी उनको नोटिस देके अपना विषय रखने के लिए भी मौका दिया. वहाँ तक बताया गया कि आप आइए, आपको कुछ विषय पर अगर चर्चा करनी है तो हमारे साथ बैठिए, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे और जहाँ हो सके वो सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे. मगर ये नहीं करते हुए उन्होंने लोगों में समभ्रम पैदा करने का काम, पार्टी के विरुद्ध में प्रवृत्ति करने का काम किया. आज मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को न चाहते हुए भी पक्ष की विरुद्ध में काम करने के लिए आज उनको पक्ष से निलंबित किया हुआ है. सौ लीना गरड जी को भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया. जब से उनने भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष प्रवेश किया, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी खारघर की महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए. उनको महानगर पालिका के चुनाव आए, उनको नगर सेविका का टिकट दिया गया और उनको चुन के भी लाया गया. चुनने के आने के बाद जब भी महानगर पालिका में विविध समिति का गठन हुआ तभी भी उनको महिला व बाल कल्याण समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया. पार्टी ने इतना कुछ देते हुए भी आप पार्टी के विचारधारा के ऊपर, पार्टी के शिस्त के ऊपर न चलते हुए आपने जो पक्ष की विरुद्ध में काम किया उसके लिए आज रायगढ़ जिला के अध्यक्ष माने आमदार श्री प्रशांत ठाकुर जी ने सौ लीना गरड जी को 6 साल के लिए निलंबित किया है. इस प्रकार की प्रवृत्ति वो व्यक्तिगत फायदे के लिए की गई प्रवृत्ति होती है. जो उनके कुछ भी मिशन हो व्यक्ति को, उसको सक्सेस करने के लिए काफ़ी लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं. भारतीय जनता पार्टी एक शिस्त प्रिय पार्टी है, एक शिस्त के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर करने वाली पार्टी है. आपको अगर वहाँ पार्टी ने आपको इतना बड़ा किया है तो आपको भी उनके मुताबिक, उनकी शिस्त के मुताबिक, उनके सिस्टम के ऊपर चल के आपको काम करना रहता है. आपने वो न करते हुए इस प्रकार का काम किया. आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित किया है. मैं सभी लोगों को विनती करता हूँ कि इस प्रकार जो पक्ष की प्रवृत्ति, जिसने प्रजा ने आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते चुन के दिया, उनके साथ उसने विश्वासघात किया, इस प्रकार की प्रवृत्ति को भाजपा नहीं सहन करेगी और उनके ऊपर आज कड़क से कड़े कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया गया है. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.